प्रिय विद्यार्थियों, आर सी आई एजुहब बालसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। हमने इससे पहले की वीडियो में इलेक्ट्रॉन के लिए हमने तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात किया और उसके बाद में हमने प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात किया। अब हम न्यूट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करेंगे। तरंग दैर्ध्य कौन सा? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे? देखो, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो सेम वही होता है। अपन जानते हैं कि द्रव्य जो कण है, जो न्यूट्रॉन है, इसके लिए वही हो जाएगा लैम्डा टी। डी फॉर न्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा वही एच अपॉन टू एम क्यू वी। ठीक है, वही होगा सेम फार्मूला एच अपॉन टू एम क्यू वी, जहां एच प्लैंक नेतांग, एम द्रव्यमान, क्यू आवेश और वी विभवांतर। अब देखिए, न्यूट्रॉन है, अपन जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है भाई? प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है। तो इसके लिए वही एच का मान तो सेम हो जाएगा, वही 6.62 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड। ये तो इसके लिए रहेगा वही एच का मान। और देखो, यहाँ एम हो जाएगा एम डी, एम डी का मतलब न्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 MP, मतलब इसका जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का वो कितना होता है भाई? प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगुना होता है, इसलिए ये हो जाएगा 2 MP। तो बराबर यहाँ 2 दो तो गुणा में है, गुणा एम पी द्रव्यमान प्रोटॉन का। अपन जानते हैं कितना होता है भाई? 1.67 × 10⁻²⁷। ठीक है, अब आवेश, आवेश सेम वही रहेगा क्यू डी, आवेश वही 1.6 × 10⁻¹⁹। वी का भी रहेगा, अपन ही वैल्यूज में पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर। तो अपन जब वैल्यू रखेंगे इसमें तो वही मान आ जाएगा लैम्डा बी बराबर एच का मान रख दो 6.62 × 10⁻³⁴ और अंडर रूट में 2 × m, m मतलब देखो एम डी, यानी 2 × 1.67 × 10⁻²⁷। ठीक है, और देखो Q यानी आवेश क्यू डी, यानी ये डी हो जाएगा, ये भी डी, एम डी क्यू डी भी कभी रहेगा, और आवेश देखो क्यू डी, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ और वी का भी रहेगा। ठीक है, अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर में यहाँ तक जब हम सॉल्व करते हैं, गुणा भाग करते हैं इसका, तो ये लैम्डा डी का जो मान है वो निकल के आ जाता है 0.202 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये भाई इसका मान निकल के आ जाता है न्यूट्रॉन का। तो इस तरह से ये जो हमने फार्मूला है, हमने उसमें ये जो मान दिए गए थे हमने इसके मान रख लिए। एच मतलब प्लैंक नेतांग, एम डी का मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है। क्लियर, आवेश आवेश तो वो सेम मान रख दिया, सोल्व कर लिया, सोल्व करेंगे ये मान आप निकल के आ जाएगा। तो ये तो हमने अध्ययन किया न्यूट्रॉन के लिए। अब हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट में कि जो हमारा न्यूट्रॉन जो होता है उसको अध्ययन करेंगे आगे। तो अब करेंगे न्यूट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। तो इसको मिटा दो इसको, जब तक हम न्यूट्रॉन के लिए बात करेंगे। तो अब है न्यूट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। भाई देखो, ये जो हमारा जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के लिए जो हम तरंग दैर्ध्य जो ज्ञात करते हैं
तो इसके लिए फार्मूला इस तरह से होता है लैम्डा एन, एन फॉर न्यूट्रॉन मान लें, इसके लिए होता है वही लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट में 2 mE। ई यहाँ पे ऊर्जा है, न्यूट्रॉनों की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, एम द्रव्यमान है। अब देखो जो है न्यूट्रॉन है, अगर न्यूट्रॉनों का ताप अगर टी हो, यानी यदि न्यूट्रॉन का अगर ताप टेम्परेचर अगर टी हो, तो उस कंडीशन में उनके लिए जो ऊर्जा है ई, वो ई का मान हो जाता है, ई बराबर हो जाता है के टी। ई का मान क्या हो जाता है? के टी। के का मतलब यहाँ बोल्ट्जमान नियतांक है, यानी यहाँ के क्या है भाई, यहाँ के है बोल्ट्जमान नियतांक है, के का मान है नियतांक है। तो यहाँ पे ये जो के है, इस के का मान होता है, अगर हम के बीजगणितीय मान की बात करें, गणितीय मान की बात करें, तो के का मान होता है 1.38 × 10⁻²। ये इसका बीजगणितीय मान होता है। तो अपन ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बात भी यहाँ, इसके लिए ई बराबर क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लैम्डा एन बराबर एच, एच अपॉन अंडर रूट में 2 mE, एम द्रव्यमान हो जाएगा न्यूट्रॉन के लिए, की का मान क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, कि यहाँ बोल्ट जमा नियतांक है। अब इसमें लैम्डा एन बराबर एच का मान वही, एच अपलांक नियतांक है, एच का मान जानते क्या होता है, 6.62 × 10⁻³⁴ s, एच का मान रखते हैं यहाँ पे, तो 6.62 × 10⁻³⁴ और भाई बटे में क्या, अंडर रूट 2 × mN, mN बोले तो द्रव्यमान न्यूट्रॉन में कितना होता है भाई, सेम वही 1.6, यानी mN का मान कितना हो जाएगा वही 1.67 × 10⁻²⁷ kg। तो इसका मान रख देंगे, तो 1.67 × 10⁻²⁷ और k का मान रख देंगे 1.38 × 10⁻²⁷ और यहाँ t का मान हमें t रखेंगे, t यहाँ ताप है। जब इस मान को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा एन बराबर 30.8 √T angstrom। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। तो ये था न्यूट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने से मान कितना जाएगा, जब उसको सोल्व करेंगे तो 30.8 angstrom / √T, टेम्परेचर है, ताप है। अगर इस पर कोई आंकी प्रश्न आएगा तो हमें टी का जो मान है, ताप का मान क्वेश्चन में दिया मिलेगा। अब हम लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और है, इसमें हम गैस के जो अणु होते हैं, गैस के अणु के लिए हम अध्ययन कर लेते हैं, जो हमारे गैस के अणु होते हैं उनके लिए हम तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करते हैं, हम गैस के अणु के लिए भी तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो हम अध्ययन करते हैं गैस के अणुओं के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। तो गैस के जो अणु होते हैं, गैस के अणुओं के लिए, अणुओं के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। तो देखो गैस के जो अणु होते हैं उनके लिए जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, उसका मान E बराबर होता है 3/2 kT। ये होता है, अपन अभी अध्ययन कर रहे थे कि जो हमारा न्यूट्रॉन जो होता है उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, 70 λ बराबर H अपॉन अंडर रूट 2 mE। तो यहाँ पे E का मान के लिए क्या होता है, ध्यान रखेंगे कि जो हमारे गैस जो अणु होते हैं, गैस के अणु के लिए E का मान भाई क्या होता है, 3/2 kT। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें E का मान रख देंगे, आ जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 mE, एम द्रव्यमान, E का मान रख देंगे 3/2 kT, 2 से 2 कट जाएगा भाई, और ये बचेगा फिर लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट, यहाँ बचेगा
तीन एम के टी, ठीक है। अब यदि यहाँ पे एम यदि द्रव्यमान हो, न्यूट्रॉन का हो, प्रोटॉन का हो, और के वही नेतांक है, बोल्ट जमा नेतांक है या परम ताप जो है, तो इसके लिए अगर यहाँ यदि यहाँ पे m बराबर एम पी हो या mn हो, यानी अगर यह m द्रव्यमान हो किसी प्रोटॉन का या किसी न्यूट्रॉन का, तो उसके लिए ये लैम्ब्डा का मान आ जाएगा, h का मान रख देंगे, वही h का मान 6.62 × 10⁻¹⁴ अपॉन अंडर रूट में तीन गुणा में रहेगा। m अगर द्रव्यमान हो प्रोटॉन का हो या न्यूट्रॉन का हो, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 × 10⁻²⁷ भाई। और देखो गुणा के टी, के यहाँ नीतांक है, नीतांक कौन सा, के यहाँ पे बोल्ट जमा नीतांक, उसका यहाँ मान रख देंगे, यह जाए गुणा 1.38 × 10⁻²⁷ और यहाँ टी का टी रहेगा। इसको हम सोल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो सोल्व करने पर ये लैम्ब्डा का मान आ जाएगा 25.8/√T angstrom। ये गैस कणों के लिए तरंग दैर्ध्य का मान प्राप्त होता है। हमने अध्ययन किया न्यूट्रॉन के लिए, अध्ययन किया ड्यूट्रॉन का, अध्ययन किया गैस के जो अणु हैं हमने उनके लिए अध्ययन किया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।